एंडोमेट्रोसिस और प्रेगनेंसी कनेक्शन है। एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है। इस मेडिकल प्रॉब्लम में ये लाइनिंग बाहर यूट्रस के बाहर फैलना शुरू कर देती है, जो कि यहाँ पर एब्डोमेन में, ओवरीज के अराउंड, ट्यूब्स के अराउंड, ये सब जगह फैल जाती है। इसमें गेटिंग प्रेग्नेंट, स्टेइंग प्रेग्नेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रुकिए, आपको मैं फैक्ट्स देती हूँ। 30-50% वुमेन विद एंडोमेट्रोसिस दे फेस इनफर्टिलिटी। 35.8% वुमेन दे हैव अ रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी रेट इसमें डबल हो जाता है। 1.5 टाइम चांसेस ऑफ डिलीवरिंग अ प्री टर्म बेबी। 16% चांसेस ऑफ डिलीवरिंग अ लो बर्थ वेट बेबी। टेंशन हो गई क्या? अब थोड़ी होपफुल बातें करते हैं। एंडोमेट्रोसिस की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 4 के पेशेंट्स भी ट्रीटमेंट के बाद सक्सेसफुली प्रेग्नेंट होते हैं। एंडोमेट्रोसिस के ट्रीटमेंट के बाद लेडीज़ इन देयर 20s के प्रेग्नेंट होने के चांसेस नियरली 50% होते हैं, और बढ़ती एज में ये नेचुरली रेट घटता चला जाता है। 40 तक प्रेगनेंसी रेट 10% होता है। तो लेडीज़, बात सिर्फ इलाज की ही नहीं होती, समय रहते इलाज की होती है।